हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 ऑफ मीडियम साइंस स्टार्ट करते हैं बेटा। तुम सबको पहले तो पढ़ने होंगे, ऐसे उम्मीद तो है। तापमान टेम्परेचर, अलग अलग पदार्थ जो होते हैं उन पर तापमान का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पर इससे पहले मैं जो लोग पहले भी पढ़े हुए हैं उनसे पता होगा कि तापमान ने हमेशा बहुत सारी बातें की, उनमें से एक बात थी हीट की। किसी को याद करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं कि क्या तापमान क्या होता है।
प्रयोग से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक ले लेते हैं जिससे तुम्हें प्रयोग और अच्छे से समझ में आएगा। प्रयोग से पहले तुम ये बताते हैं कि तापमान का मापन कैसे किया जाता है। तापमान अच्छा एक बात बताओ, द्रव्यमान द्रव्यमान का मापन कैसे करते हो? द्रव्यमान मापन का मतलब है जब आप दुकान पे गए आप कहोगे कि भैया चीनी देना तो वो क्या पूछेगा कितने किलो, मतलब किसी भी वस्तु में द्रव्यमान का मापन किसमें किया किलो में, किसमें किया किलो में, क्या किलो मिला हुआ ग्राम ना मिलीग्राम बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किलोग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है किलोग्राम, किलोग्राम जिसे आप केजी कहते हैं। वैसे तो किलो पर यूनिट बहुत सारी है क्विंटल मन ग्राम मिलीग्राम पाउंड है ना, पाउंड भी होता है 425 ग्राम या 15 ग्राम के आसपास का होता है पाउंड। ये तो वह द्रव्यमान। अगर दूरी की बात हो दूरी किसे नाम हो बताओगे तो किलोग्राम किलोमीटर में नाम हो नहीं दूरी का मापन करते हैं मीटर में। ऐसे बहुत सारे मापन है किलोमीटर मील है ना, उसके बाद बहुत ज्यादा दूरी होती है। बताओ जैसे आपने पढ़ा था कि जो प्रकाश की दूरी होती है वो किसे मापी जाती है, ये क्वेश्चन भी लोगों के लिए है पिछले साल याद हो। अगर ध्यान दो प्रकाश वर्ष का दूरी का मापन मीटर में, समय का मापन किसने करते हैं, समय का मापन करते हैं सेकंड में, बल का मापन किसने करते हैं बल का मापन न्यूटन। तो जैसा जैसा जैसे पढ़े जाते हैं दाब का मापन किसने करते हैं दाब का मापन पास्कल, इसे पी कहते हो इसे टैंक कहते हो इसे गैस कहते हो इसे किलोग्राम कहते हो द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान के लिए m का मान लेते हो, डिस्टेंस के लिए d का मान लेते हो, टाइम के लिए t, फोर्स के लिए f, प्रेशर के लिए p। मापन किसके करते हैं ये भी मापन करते हैं। टेम्परेचर तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो p से डिनोट किया जाता है और इसका मापन बहुत सारे अलग अलग यूनिट में होता है जिनमें से तीन यूनिट प्रमुख है डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड जिसे आप डिग्री सेल्सियस में से बोल सकते हो फारेनहाइट फारेनहाइट और केल्विन। ये तीन इसके डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसको दिख रहा होगा आपको डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसको सी से डिनोट करते हैं फारेनहाइट को एफ से और केल्विन को के से। यह डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री मिला छोटी बिंदी ऊपर अब इनका मापन आप उसमें करते कैसे है तो साइंटिस्टों ने कैसे स्टार्ट किया ये मापन करना इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग साथ ही साथ वीडियो पोस्ट करके ये सारा टॉपिक आराम से उतार सकते हो। सबसे पहले उतार और इसको याद करो उसके बाद आगे का बात है ना। जब तक चलो पोज करके आगे बढ़ते हैं। ये बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर को मापन करने की जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड की, क्या क्या साइंटिस्टों ने क्या क्या पानी लिया और पानी को ठंडा करते हैं तो एक इसके करें जब पानी किसी को बदल जाएगी ठंडा होने पर बर्फ कभी ना कभी तो एक स्थिति आएगी जब पानी बर्फ में बदल जाएगी ठंडा करते जाओ। अगर पानी को गर्म करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो किसको मिल जाएगी भाप वाष्प में बदल जाएगी है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कैसे करते हैं तो फिर उन्होंने देखा कि भाई पानी बर्फ में बदल गया जिस टेम्परेचर पर बदला उसको बोल दिया जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो इसको बोलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस जिस पर पानी भाप बना उसको बोल दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है तो पानी के बर्फ बनने से बर्फ से वाष्प बन जाने में कितने
अब कोई दूसरे व्यक्ति ने क्या पैसा दिया, मान लो फाइनल फाइनल ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जिस टेम्परेचर पर पानी बात बन रहा है मैं उसको बोलूंगा 32 फाइनल। बोल क्यों 32 फाइनल बोलूंगा और जिस पर बात बन रहा है मैं उसको बोलूंगा 212 फाइनल। और यहां बीच में जो पार्ट्स है इन्होंने 100 पार्ट किए, कितने पार्ट किए 100 पार्ट डिग्री सेंटीग्रेड में। इसने कहा मैं यहां पार्ट करूंगा 180, यहां कितने पार्ट करे 180, यहां कितने पार्ट करे 100। इन पार्टों से क्या मतलब लेना पानी का मतलब, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बर्फ पानी यहां बनता है उस टेम्परेचर को जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, बर्फ जहां पानी बनता है उसको फाइनाइट में 32 फाइनाइट बोलते हैं, पानी जिस टेम्परेचर पर भाप बनता है उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और पानी जिस टेम्परेचर पर भाप बनता है उसे फाइनाइट में 212 फाइनाइट बोलते हैं। अब इनको आपस में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, तब तक ये नोट करो वीडियो को देखकर पढ़ा करो। चलो आगे बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है दोनों को चेंज करने का, सिंपल फॉर्मूला है t माइनस जीरो अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। t माइनस कहां से स्टार्ट करते हैं सेंटीमीटर वाला, जीरो से, तो जीरो पार्ट कितने किए थे 100। f कहां से स्टार्ट था 32 से, माइनस 32 कितने पार्ट किए 100। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा की बात करते हैं, क्वेश्चन मान लो ये आएगा कि कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, एक जनरल बात कर लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट पैमाने पर ज्ञात। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फारेनहाइट पैमाने पर बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो, तो कैसे बताएंगे समान होते हैं, तो
तो आप इसका सॉल्यूशन करना है, आंसर भी लिख देना ताकि तुम लोग उतना आंसर के बाद मैच कर सको। एक बार पहले क्वेश्चन रहेगा ना तो उसके बाद आंसर देगा, क्वेश्चन रहने से पहले आंसर मत देना कोई भी, आंसर आएगा माइनस। चलो क्वेश्चन करके देखना फिर इससे आगे कल बात करेंगे।